यानी शहर हमारे दुश्मनों के हमलों की जद में आ रहा है, लेकिन कल सब तुर्कों का खात्मा हो जाएगा, फिर हम अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। आगे बढ़ो फ्रीक। वो शहर की हिफाजत कर रहे हैं, लोग बहुत खौफजदा हैं, कुछ सिपाही चले गए हैं, उस्मान को तलाश कर रहे होंगे। उन्हें जाने दो, वो उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। मेरी मोहब्बत और बताओ। ये मगरबी दरवाजा है, ज्यादातर सिपाही यही होंगे। मैं ये दरवाजा उलुफ और उसके आदमियों के लिए साफ कर दूंगी। आपके पास ऐसा करने के लिए काफी सिपाही नहीं है। सबसे पहले मैं अपने आदमियों को शहर में दाखिल करूंगा, वो वहां आपकी मदद करेंगे। लेकिन असल हमला मशरिक से होगा, जब उनके सिपाहियों की तवज्जो मगरिब की तरफ होगी, मैं मशरिकी दरवाजे से दाखिल होऊंगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, वो लोग जो अंदर दाखिल होंगे सारे शहर में बिखर जाएंगे। जब कत्लेआम शुरू होगा तो तुम मशरिकी दरवाजे से दाखिल होना। अगर हमला मशरिक से होगा तो मेरा फर्ज सबसे अहम होगा। मैं 20 आदमियों के साथ दाखिल होऊंगा। जब वो मेरे साथ मसरूफ होंगे तुम शहर के दरवाजे से दाखिल हो जाना। जब उस्मान के लोगों को कत्लेआम की खबर मिलेगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि जंग शुरू हो चुकी है। फिर मैं उनके सर काट दूंगा और मैं वहां की तमाम औरतों को मार डालूंगी और मैं फिर एक एक करके उनकी उंगलियां काट दूंगी जिससे वो मजेदार खाने बनाती हैं। और वो किला मेरे घोड़ों के खेलने का मैदान होगा, लेकिन किले का दिफा कमजोर करने के लिए मुझे मलहून खातून को फंसाना होगा और उसके लिए तो मैं ही काफी। यानी शहर कल गुरूब आफ्ताब से पहले हमारा होगा। सिर्फ यानी शहर नहीं, तुर्कों ने पादरी को मार दिया है तो वेटिकन मुझे एक अजीम शान फौज देगा। पहले मैं शहंशाह का तख्त संभालूंगा और फिर मैं तुर्कों से अपनी जमीन वापस लूंगा। वो फौज तुम्हारी होगी ओलोफ। मैं इसीलिए यहां हूं, मैं उन सब तुर्कों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं उनके लिए मौत साबित होऊंगा। ये नहीं शहर हमारा होगा। ये हमारा होगा। मरमरा जग हासिल करने के लिए हमें तेज और बेरहम होना होगा। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दाखिल होते ही कब्जा कर लेंगे। अब यह हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा हम हो चुका है। तुरहान वहां असीर है, उसको भी वहां से बचाना बहुत जरूरी है। उन्हें भी बचा लेंगे इंशाल्लाह। यहां शामिल ने जिस जंदान की बात की थी, कले के अहाते के बिल्कुल नीचे है। जैसे ही हम हमला करेंगे तो कुछ सिपाही जंदान में दाखिल हो जाएंगे। वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। जनाब, कले का मुहासरा करने में कई दिन लग सकते हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जनाब, हमें जंग से दूर ना करें। मेरे हुजूर, एक गाजी के सारे जख्म जंग में शमूलियत के बाद ही सेहत याब होंगे इंशाल्लाह।
अगर इरादा कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं। मुहासरा करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर हम उन्हें उनके घोंसले से निकाल देंगे। अब ऐसा है, हम लोग जब यहां मौजूद नहीं होंगे तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए यानी शहर में दाखिल होंगे और वहां हमला करेंगे और हम मरमारचिक को हासिल करने में मसरूफ अमल होंगे। दुश्मन इंतजार कर रहा है, हम आज रात नहीं सोएंगे। आप तैमूर क्या रास्ते महफूज हैं? मैंने यनी शहर की हर गली में एक सिपाही लगा दिया है। ये काफी नहीं, हम उनकी तादाद नहीं जानते। एक सिपाही की जगह 3 को खड़ा कर दो। वालिदा, पुरसुकून रहिए आप, हालात हमारे काबू में हैं। जानती हूँ, लेकिन यनी शहर एक अमानत है, उस्मान साहब की अमानत, जिसमें खयानत नहीं कर सकते। काराजा हिसार की तरफ सफीर भेजते हैं, सुबह तक सिपाही यहाँ मौजूद होंगे। हालात के मुताबिक मैंने तीरंदाजों को छतों पर खड़ा कर दिया है और हमारे सिपाही गोदामों और घरों में मौजूद हैं। ये काफी नहीं है, अगर हम उन्हें गलियों में नहीं रोक सके तो मुश्किल हो जाएगी। चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हम उन्हें रोक लेंगे इंशाल्लाह। अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग करेंगे, हम उन्हें टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देंगे। सुनो सिपाही, सिपाहियों और दरवेशों से कहो, कोई भी उनसे लड़ाई पर इसरार नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर वो यहां से पीछे हट जाएंगे। जो हुक्म जनाब। इनागोल, काराजा हिसार, बेलेजिक, पैगाम भेजो और सिपाही मंगवाओ। जैसे आपका हुक्म। यानी शहर अमानत है और हम हिफाजत करेंगे जनाब, मगर साहिब अमानत, आप कैसे हैं उस्मान साहब? मैं सिपाहियों को इनागोल से यनी शहर भेजूंगा, लेकिन यह नहीं मालूम कि हमारे सिपाही काफी होंगे या नहीं। कुछ भी हमें बाहर से हासिल नहीं करना, हम अपने सिपाहियों के साथ हमला करेंगे। क्या यह काफी होगा मेरे हुजूर? नाकाबंदी नहीं होगी। वहां के कुछ लोग महिंदर साहब से खाने का तकाजा कर रहे हैं और इजाजत मांगी गई है मलहून खातून से। हम 3 छकड़ों को लेकर वहां जाएंगे, वो लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे। वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे उनका सामना हमारे साथ होगा। यानी शेर के तहफ्फुज़ के बारे में क्या ख्याल है? मलहून खातून उसका ख्याल रखेंगी। हमारे सिपाही दरवेश मामूल के मुताबिक शहर के अतराफ में मौजूद होंगे और वो उन्हें अंदर दाखिल होने से हरगिज नहीं रोकेंगे। उनके अंदर दाखिल होते ही औलूफ और उसके साथी हमारे जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे और हम सही वक्त आने पर हमला कर देंगे। पहले मरमारचिक, फिर उसके बाद पूरी दुनिया। आई के बहादुर सिपाहियों, हम एक मुश्किल जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम दुश्मन के खिलाफ ना भी जाएं, तो ऐसा मत सोचो कि दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। याद रखो, ये हक और बातिल की लड़ाई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, काफिरों की सरजमीनों पे एक फौलादी हथौड़े की तरह वार करना होगा। मरमारचिक एक लड़ाके मेंढे की तरह है जो काफिरों तक पहुंचता है। अगर हम वो कला हासिल कर लेंगे तो इससे कई फतुहात का रास्ता खुल जाएगा। हमारे घोड़े आगे बढ़ेंगे और हम टकराएंगे मगरिब से। आ जाओ सिपाही, ये वक्त हमारी फतह का है।
बताओ क्या सूरत हाल है आक्तेमूर? हमने सिपाहियों को जमा करने के लिए कासिद भेजा है और मैंने अपने सिपाहियों को काराजा हिसार से यनी शहर की तरफ भेज दिया है। वो हमारे हुक्म के मुंतजर है। इर्द-गिर्द की सूरत हाल क्या है? क्या तदाबीर इख्तियार की गई है? हमारे काफी सिपाही चरवाहों के भेस में यनी शहर के गिर्द मौजूद है। आयशा, मार्था की तरफ से कोई खबर? वो हमेशा मसरूफ रहती है, हर वक्त काम करती है, सामान लाती रहती है। देखते हैं कि वो वाकई तजारत कर रही है या कोई साजिश कर रही है। उस्मान के बगैर यानी शहर गैर महफूज है। मैं अपने दोस्त और हान से मिलने जाऊंगा। उसके छोटे कंधों पर यानी शहर की जिम्मेदारी है। हम वहां जाकर उरहान और मलहून की आंखें निकालकर उनकी जगह आग भरेंगे। और मेरे दोस्त कांता कोजिनेस मेरे साथ हैं। हम दोनों मिलकर यानी शहर में आग भड़का देंगे। कोई नहीं बचेगा। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी शहर हमारा होगा। हम उनसे बाज़ेंतीन का ताज छीन लेंगे। उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारा बदला पूरा होगा। हम चार तरफ से हमला करेंगे और उनको दिफा करने का मौका हरगिज नहीं देंगे। उन तुर्कों को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। हमारी काली लानत उन पर बरस पड़ेगी। लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत। आज हम उस्मान के इस यनी शहर को खून में नहला देंगे। जिन तुर्कों ने हमारा खून बहाया, अब उन्हें हमारी तरफ से वो अंजाम दिखाया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। हमारे सिपाही तैयार हैं। ओडन गिरोह हमारे जंगजुओं के साथ है। फिक्र ना करो। वो लोग जिस चीज के मुस्तहिक हैं, उन्हें वही मिलेगा। उन पर हम रहम नहीं करेंगे जिन्होंने बाज़ेंतीनियों का खून बहाया। हम मिलकर मलून और ओरान से यानी शहर छीन लेंगे और फिर उन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे। और फिर हमारे लिए यानी शहर में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरी बात पर यकीन करो। दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे अंदर से खोखला कर दिया जाए। जाओ, अपने दुश्मनों को खत्म करो। शाबाश। समझ गया मैं। चलो। जंग शुरू हो गई है। अब ये नहीं शहर में हमारी काली लानत छा जाएगी। चलो। दरवाजा खोलो। Thank you.
सिर्फ आप ही अंदर जा सकते हैं। ओ अच्छा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं ये सब कुछ खुद उठाकर रखूंगा? हुसैन जी हुजूर, वापस जा रहे हैं, चलो यहां पर कोई काम नहीं। सुनो ताजिर, तुम किस वजह से जा रहे हो? मेरे आदमियों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। सिपाहियों, सबसे पहले सामान की अच्छे से तलाशी लो। मुफ्त का सामान हर जगह नहीं मिल सकता। सिपाहियों, ये एक जाल है। कोई सवाल नहीं, सुन लो, ये कलाब हमारा है। शामिल हाईकोर्ट। चलो सिपाहियों। अल्लाह अकबर। कले की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खून के आखिरी कतरे तक मजावत करूंगा। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाके लड़ो। तुमने मेरा खून बहा है, अब मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे आदमी को मारने जा रहा हूँ। उस्मान, कबूतर के जरिए ओलफ को खबर भेज दो, उसे बताओ कि उस्मान यहाँ है। वो तौरान को जिंदान के आखिर में रखे हुए हैं। हम यहाँ बगैर किसी वजह के नहीं आए भाई, हम उसे यहाँ से निकालेंगे। क्या आप ठीक है भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हम सब ठीक हैं। हम अपने भाई को बचाएंगे और इस कले को कुफार के लिए कब्र बनाएंगे। चलो भाई। चलो चलो। जब तुम कुस्तंतुनिया आए तो मैं एहतराम के साथ पेश आया, लेकिन ओलफ ने सही कहा था, तुम दोस्त नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो। शहंशाह की तरह तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते उस्मान साहब, मैं तुम्हें इस कले में दफन कर दूंगा। ये कला मेरी मिल्कियत है, कौन दफन होगा यहाँ मैं फैसला करूंगा इसका। Oh!
सच्ची हो सो। कमांडर को तहखाने में ले जाओ, मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है। जैसे आप कहें। तुम जल्द ही मर जाओगे, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। तुम जिंदा रहने में मेरी मदद करोगे और इस जगह से निकलने में भी। उसके बाद तुम्हें कौवों को खिला दूंगा। चलो। जब कांता कोजिनेस और फी यानी शहर के दरवाजे खोलेंगे, हम हमला करेंगे। तुम किसी पर भी रहम मत करना। अगर किसी के दिल में रहम है तो मैं उसे जंग के बाद मार डालूंगा। जिसकी तलवार खून के बगैर नजर आई वो मेरे ही हाथों बाद में मरेगा। बहादुर बनो मेरे भाइयों, तुर्कों के जिस्मों से दिल बाहर निकाल लेंगे। कोई गलती नहीं चाहिए। इन जमीनों में हम सबको मार डालेंगे जो भी हमारे खिलाफ है। विरोधी, जल्दी आओ। उस्मान मरा नहीं है, वो यहाँ अपने आदमियों के साथ किले पे कब्जा करेगा। नहीं, नहीं। उस्मान, उस्मान, तुम उस घर से कैसे निकल सकते हो? लेकिन मरमरा चल तुम्हारी कब्र होगी। बोलो, अब हम क्या करेंगे? नहीं, तुम जाकर फ्रीक को बताओ, वो हमारे बगैर यदि शहर लेंगे वो उसे जला देंगे। जाओ, और हम सब मरमरा चिक जाएंगे और उस बात का सर दीवार पर लटका देंगे। चलो चलो। दौरान, मेरे भाई यहाँ हो आप? ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे बताओ दौरान भाई कहाँ है? मेरे ख्याल से वो उस तरफ होंगे भाई। चलो। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, मैं तुम्हारा भी बचाऊंगा। आ जाओ। अरे
शुक्र है अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मारने जा रहे हो तो इंतजार मत करो। ये यहां है कमसर्फ, ये यहां है भाई। हम तुम्हें किसी काफिर के हाथों मरने नहीं देंगे। वही रुक जाओ, कोई आगे ना बढ़ना। अगर इसे जिंदा चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर यहां से निकल भी गए तो तुम इतने मजबूत नहीं हो कि शिकस्त दे सको। मैं ठीक हूं। ये एक अच्छी जंती है ना? अगर मैं ना होता तो आप इस किले की दीवारों के अंदर किस तरह आते? हाँ, गिरा देते इसे। हाँ, ऐसा करना हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी बहुत सी दीवारें हम तोड़ चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप ऐसी बातें ना करें। आप बताइए बाला खातून, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या हमारे इस काम से अल्लाह खुश नहीं होगा? अस्तग़फ़िरुल्लाह बाइंदर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तिजारत कामयाब रही है, बहुत। एक और जमीन फतह कर ली। अगर उस्मान साहब चाहें तो मैं अपना पूरा कारवां कुस्तुनतुनिया तक ले जा सकता हूँ। खुश रहे। बाला खातून का एतमाद हमें हासिल हो गया है। उस्मान की सल्तनत में जड़े बिठाने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिल सकता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। परमाना जी, कब से हमारी सरजमीन है। ये परचम गिरा दो इनके। उस्मान, हाँ।
शुक्र है, तेरा शुक्र है। याद रहे एक अच्छा मेहमान अपने आने से पहले पैगाम भेज देता है। कहिए। उस्मान साहब अभी तक नहीं आए, मैं उनके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। वो यहाँ नहीं है। हाँ मगर पैगाम आया है उनका। क्या मतलब है आपका? उस्मान साहब अब मरमरा चिक के मालिक हैं। क्या कहा आपने? मुझे वजाहत करने दीजिए। मरमरा चिक को उस्मान साहब ने फतह कर लिया है। वो कला औलुफ से ले लिया गया है। कांता कुजनुस, आप हैरान क्यों हैं? खुशी नहीं हुई? शुक्र है कि आप मिल गए। हमेशा आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, जल्दी ठीक हो जाओगे। गुरगुत साहब, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। रेमोस, वो जो दरवाजे पर परेशानी की वजह था, सुन लो अच्छी तरह, क्योंकि तुम आखिरी बार सुनोगे। अब बताओ जरा, ताकि तुम्हें फिर जल्दी से मारा जाए। क्या बताऊं के गांव पे कैसे हमला किया और तुम्हारे आदमियों को कैसे फांसी दी और उस बहादुर को किस तरह मारा। और उससे भी अहम ये, इन सब चीजों का इल्जाम हमने तुम्हारे सर पर डाल दिया। ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी उस्मान। तुम ऐसे ही हमले करते रहोगे और हम भी तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम इसे आखिरी जंग कहते हो? हा, ये हक और बातिल की जंग है। यावत तक ऐसे ही चलेगी, लेकिन तुम इसे देख नहीं पाओगे।
रेमोस अच्छा कमांडर है और हकीकत से भी वाकिफ है और जानता है कि ओलुफी सब साजिश के पीछे है। अब इसे जंदान में ले जाओ, ये बहुत कुछ बताएगा। मेरे हजूर, ओलुफ आ रहा है, वो बहुत बड़ी तादाद में है। चलो फिर आ जाओ, सभी दरवाजे बंद कर दो और तीन अंदाज ऊपर जाओ। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था मुझे। चलो भाइयों, चलो।